क्या रॉयल रंबल में रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस के बीच दिखे मैच के विनर केविन ओवंस थे? बट आप कहेंगे नहीं, मैच तो रोमन रेंज ने जीता और टाइटल भी रिटेन कर लिया। बट इन दोनों के बीच मैच में कुछ ऐसा देखा जो कि शायद एक बहुत बड़ी गलती के तौर पर सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब हम सभी ने देखा कि साल 2021 के रॉयल रंबल पीपीवी में रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखा था जो कि काफी शानदार और बेहतरीन था। इसमें कुछ गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें कि इस पीपीवी का बेस्ट मैच एक्शन वाइज काफी अच्छा था। दोनों ने जम के एक दूसरे को तोड़ा। अब लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के रूल्स आप सभी जानते होंगे। मैच में कोई सुपरस्टार अपने अपोनेंट को जब ढेर करता है तो रेफरी 10 काउंट करता है और उस 10 काउंट से पहले ढेर पड़े सुपरस्टार को उठना पड़ता है, नहीं उठता है तो वो मैच हार जाता है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को इस मैच में जबरदस्त टक्कर दी। वहीं बैक स्टेज केविन ओवंस के कुछ शानदार मूव ने तो मजा बांध दिया। वहीं गोल्फ गाड़ी से रोमन रेंज ने जैसे केविन ओवंस को मारा वो काफी ज्यादा खतरनाक था। मैच के एंड में रोमन रेंज और केविन ओवंस एक स्टील के पिलर के पास लड़ रहे थे जहां लाइट भी लगी हुई थी। अब मैच के दौरान रोमन रेंज ने केविन ओवंस के हाथों को उस पिलर से बांधने की कोशिश करी थी, बट केविन ओवंस ने पलटवार करते हुए उल्टा रोमन रेंज को उस पिलर से हैंडकफ से लॉक कर दिया। अब रोमन रेंज इस टाइम उठ नहीं पा रहे थे तो रेफरी 6 काउंट तक आ गए थे, बट इसके बाद रोमन रेंज ने पहले रेफरी को साइड वाले पिलर में दे मारा और वो मैच में बने रहे। इसके बाद पॉल हेमन आए और वो रोमन रेंज के हैंडकफ खोलने का ट्राई करते दिखाई दिए, बट पॉल हेमन उसे नहीं खोल पा रहे थे। पास में लगी लाइट की वजह से पॉल हेमन उसमें की नहीं लगा पा रहे थे और पॉल हेमन के हाथ भी वहां नहीं चल पा रहे थे। इस बीच दूसरा रेफरी आया, उसने आते ही काउंटिंग शुरू कर दी और तरीका भी यही था कि जब रेफरी आया तो काउंटिंग वहीं से शुरू होनी थी, बट रेफरी को लगा कि शायद 10 काउंट से पहले हैंडकफ ओपन हो जाएगा, बट वो नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से रेफरी ने बीच में ही काउंटिंग रोक दी, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। रेफरी ने काउंटिंग रोकी, इस वजह से रोमन रेंज मैच में फिर बने रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो इस मैच के विनर शायद केविन ओवंस होते, बट WWE की बुक में मैच एंडिंग रोमन रेंज को टाइटल रिटेन करते हुए दिखाने की थी, इस वजह से रेफरी ने काउंटिंग को रोक दिया। अब जो काम पॉल हेमन करते दिखाई दिए वो काम वैसे तो जे उसो का था, बट वो 15 जनवरी 2021 से WWE में नहीं दिखाई दिए हैं, इसलिए ये काम पॉल हेमन को आके करना पड़ा। अब मैचेस में कोई रोल कैमरा एक्शन तो होता नहीं है, जो कुछ होता है वो सब एक बार में होता है, जैसा जैसा डिसाइड करा जाता है उसमें अगर मैच के दौरान कुछ चीजें फंस जाती हैं तो मैचेस में इस लेवल के बॉचेस देखने को मिलते हैं। अब ऐसी मिस्टेक रोमन रेंज के एक और मैच में सामने आई थी, वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंज के बीच। ये बात करीब साल अगस्त 2017 की है, जहां हमें रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच दिखा था, जहां ऐसे ही मैच का एंड में रेफरी ने काउंटिंग रोक दी थी जब रोमन रेंज पर समोआ जो ने अटैक करा था। हालांकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो रेफरी को काउंटिंग नहीं रोकनी चाहिए थी, बट वहां भी ऐसी ही बड़ी मिस्टेक देखने को मिली थी। उस टाइम मैंने उसको वीडियो में कवर भी करा था। तो फ्रेंड, ये था रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस के बीच मैच में दिखी बड़ी मिस्टेक जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे कैरनबॉल 619 और एंड ऑफ डेज मार्कर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।